नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में जिसका नाम है द राइट स्टेप। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो ये घंटी का निशान है इसे दबा के ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, आज की वीडियो को टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारे किस टॉपिक के ऊपर है। तो दोस्तों, आपने सही पढ़ा, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक PDF फाइल को आप किस प्रकार एडिट कर सकते हो। दोस्तों, नॉर्मली जब भी आप किसी कैफ़े में जाते हो, वहाँ से अपना रिज्यूम बनाते हो या फिर कोई भी बस की ट्रेन टिकट की ट्रेन या फिर कोई भी ऐसे PDF फाइल जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप बनाते हो कोई डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट का PDF बनाना हो, मगर जब वो PDF बन जाता है तो सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है दोस्तों कि अगर उसमें कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए, आपके नाम की आपके मेल की जगह फीमेल हो जाए या फिर फादर नेम में दिक्कत हो जाए या बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है और आपको अर्जेंटली उसे किसी कंपनी में सेंड करना पड़ता है ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी तरह से उस डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी आपको यूज़ करना पड़ता है। तो अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है दोस्तों कि आपको उसको एडिट कैसे करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस PDF फाइल को किस तरह कुछ ही मिनटों में एडिट कर सकते हैं, वो भी सिंपल अपने मोबाइल से। दोस्तों, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर में। जैसे आप प्ले स्टोर में जाते हो दोस्तों, तो वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है एक्सड्रो PDF रीडर एंड एडिटर। ये सिंपली कुछ कम ही MB की है, 20 से 22 MB की है, जो कि नॉर्मली इतने स्पेस तो आपके मोबाइल में हो गई। और इसके आप रेटिंग देख सकते हो तो 4.7 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और यहाँ से आप इसके रिव्यू पढ़ सकते हो तो रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं लोगों के। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेते हो, इसको ओपन करते हो तो कुछ आपसे परमिशन मांगेगा जिसको आपको परमिशन दे देनी है। जैसे आप करते हो तो नॉर्मली आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपके मोबाइल में या आपके मोबाइल में या आपके PC में जो भी हो गया आपकी PDF फाइल, वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएंगी। यहां से आपको सिंपली उस फाइल को क्लिक कर देना है जिसको कि आप एडिट करना चाहते हो। सिंपली मैं जैसे कि इस वाले फाइल को एडिट करना चाहता हूं, तो सिंपली मेरे सामने ऐसा ऑप्शन बन के आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली आपको जिस फाइल को जहाँ पे एडिट करना है वहाँ पे इसको दबा के रखना है स्क्रीन को। जैसे आप दबा के रखो दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपको टी का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि टास्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपको जहाँ पर एडिट करना है तो आपको यहाँ पर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सिंपली यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। तो सिंपली जब ये एडिट हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद आपको इसको डायरेक्ट सेव भी कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, इसको सेव करना है तो सिंपली यहाँ से सेव कर सकते हो, या फिर 3 डॉट पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल ही आसानी से सेव हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस एप्लीकेशन से दोस्तों। और आप किसी बहुत ही आसानी से किसी भी PDF फाइल को आसानी से एडिट कर सकते हो, जो कि पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, या तो वो सिर्फ PC पे एडिट होती थी, अब आप सिंपली अपने मोबाइल से भी इस फाइल को एडिट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस ऐप से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना दोस्तों, आपको हर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में जो ये नोटिफिकेशन बेल होती है ना, जो घंटी का निशान, इसे दबाना जरूर दोस्तों, तभी आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमेशा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, कल मिलते नई वीडियो के साथ, बाय बाय।